हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद कोई भी कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11th अप्रैल 1996 को कौन सा डे था। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का, वो सब मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। एकदम ईजी टेक्निक है, बस आपको याद रखना है इसको, ठीक है। एग्जाम के पहले अगर आप रिवाइज करके गए ना, तो भी आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कैलेंडर पे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी 1 वीक में कितने डे होते हैं, सबको पता है कितने, 7 डेज, राइट। नेक्स्ट, 1 ईयर में कितने होते हैं, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स, राइट। एंड एक एक्स्ट्रा डे होता है, 1 एक्स्ट्रा डे, और वही अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स उसमें भी होते हैं, बट 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे 28th फेब होता है, 28th फेब होता है, राइट। बट यहां पे क्या होता है, 29th फेब भी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर कोई ईयर दिया है तो आप कैसे उसको चेक करोगे वो लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। तीन रूल्स है चेक करने का। पहला रूल, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज लीप ईयर, ओके। सेकेंड रूल क्या है, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 400, ईयर इज डिविजिबल बाय 400 देन ऑल्सो इट इज लीप ईयर। बट एक चीज याद रखना आप, ईयर शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 100, ईयर शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 100, ओके। ईयर शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 100, ओके। तो लीप ईयर चेक करने के आपके पास तीन रूल्स हैं। पहला रूल कि ये डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 400 हो जाए, बट वो ईयर 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाते हैं, तो बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशन यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन, ओके। तो ये था लीप ईयर, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है सबको, राइट। नेक्स्ट, आपको कुछ कोड है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ कोड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे पहला कि आपको डे का कोड याद रखना है, डे का कोड याद रखना है, ठीक है। तो डे कोड में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 को मैं संडे से डिनोट करूंगा, किससे, संडे से। 1 को मंडे से, 2 को ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 5th फ्राइडे एंड 6th इज सैटरडे। संडे ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो ये डे कोड आपको याद रखना है। दूसरा, आपको मंथ कोड याद रखना है, ठीक है। दूसरा, आपको मंथ कोड याद रखना है। तो मंथ कोड क्या है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, हाँ, इसको याद रखो, जैसे फोन नंबर आप याद रखते हो ना, वैसे इसको याद रखो। सिंपल, अगर आपके पास कोई भी ईयर दिया है अदर देन लीप ईयर, अगर कोई भी ईयर है आपके पास अदर देन लीप ईयर, तो उसमें जो मंथ होंगे ना, उसका कोड क्या होगा, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 एंड 0 3 5। सिंपल है, याद रखो, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, सिंपल है। तो अगर कोई भी ईयर है ऑर्डिनरी ईयर, तो उसके लिए आपको ये मंथ कोड याद होना चाहिए। लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो, अगर वो लीप ईयर है तो बस इसमें एक ही चेंज है, और वो क्या है, देखो, 0 की जगह पे 6 आ जाएगा एंड 3 की जगह पे 2 आ जाएगा। 0 की जगह पे 6 आ जाएगा एंड 3 की जगह पे 2 आ जाएगा, बाकी सब जो है वो सेम रहेगा, राइट। क्या है, 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, अगर काउंट करो तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। 12 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जैन का है, फेब का है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर
नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो फ्रॉम जैन टू दिसंबर क्या है, मंथ कोड है, समझे, इसको हम लोग चीट कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मंथ कोड, डे कोड, ये दो चीज याद हो गया। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है ईयर कोड, नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको, ईयर कोड, ठीक है। तो ईयर कोड कैसे याद रखना है, देखो एकदम सिंपल है, वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ईयर कोड, अगर ईयर 1600 से लेकर 1699 के बीच में है तो आपका ईयर कोड जो होगा वो क्या होगा, 6। अगर आपका ईयर 1700 से लेकर 1799 के बीच में है तो उसका ईयर कोड होगा 4। एंड अगर 1800 से लेकर 1899 के बीच में है तो ईयर कोड होगा 2। 1900 से 1999 के बीच में है तो ईयर कोड 0 होगा। एंड 2000 से लेके 1999 तक है तो अगेन फिर 6 होगा। तो ये साइकिल वापस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अभी तक तो इतने काफी है, इससे ज्यादा कोई आपको पूछेगा नहीं। तो 1600 से लेकर 2099 तक हमने ईयर कोड डिस्कस कर लिया, राइट, 64206। अगर समझो कि 3000 से लेकर 3099 की बात करूंगा तो क्या होगा, उसका ईयर कोड फिर से 400 होगा। तो ये साइकिल वापस रिपीट होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली तीन चीज याद रखना है, डे कोड, मंथ कोड, ईयर कोड, ठीक है, याद हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम, अगर आप भी चाहते हो कोई दूसरा क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हो आफ्टर दिस, ठीक है। तो मैं पूछता हूं कि 26 जैन 1947 को कौन सा डे था, कौन सा डे था, कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने, ठीक है, सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करने। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, राइट लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कोड, राइट लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कोड, ओके, राइट लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कोड, सॉरी लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ठीक है। तो ईयर क्या है, 47, है ना, तो मैंने क्या लिखा, 47, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, डिवाइड दिस 47, डिवाइड 47 बाई 4, ठीक है। तो मैं इस एग्जांपल को लेके कंसिडर कर रहा हूं, तो सिर्फ उसी हिसाब से स्टेप्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, सो डिवाइड जो भी है 47 मिला है ना स्टेप 2 में, उसी 47 को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड 47 बाई 4, या फिर आप बोल सकते हो कि डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर बाई 4, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर बाई 4। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर क्या है, 47 है, राइट, 47 है। तो 47 डिवाइड बाई 4 क्या होगा, 4 वन जा 4 0 7 4 वन जा 4, अगेन क्या मिला हमें, 3 मिला, राइट, रिमाइंडर हमें 3 मिला। लेकिन देखो ये जो आपको क्वेश्चन मिला ना, क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन मिला है यहां पे, ठीक है, इसको आपको यहां पे लिखना है, ठीक है, सिंपल डिवाइड लास्ट 2 डिजिट बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर बाय 4 एंड राइट द क्वेश्चन, ठीक है। दो स्टेप समझा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या, डेट दिया आपको ना, तो डेट लिख लो, राइट डेट, नेक्स्ट स्टेप राइट डेट, तो व्हाट इज डेट, 26, राइट। स्टेप नंबर 4, 5 स्टेप बोला है मैंने, तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा, उसके बाद क्या है, जैन है ना, तो जैन का कोड लिखो, तो यहां पे लिखो राइट मंथ कोड, राइट मंथ कोड। तो अपने केस में क्या है, मंथ कोड, मंथ क्या है अपने केस में, जैन है ना, तो जैन का कोड क्या रहेगा, देखो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया ना, और सिंपल है, 1947 इज ऑर्डिनरी ईयर, इट इज नॉट अ लीप ईयर, तो 1947 का जैन का कोड क्या होगा, 0 होगा, समझे ना, 1947 का जैन का कोड क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, 0,
ठीक है, एक सिंगल ही जीरो लिखोगे तो भी चलेगा, बट सारे दो टू टू डिजिट में, इसके लिए मैं जीरो लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप फाइव, लास्ट स्टेप। हमने क्या लिखा, डेट लिखा, मंथ कोड लिखा, ईयर कोड नहीं लिखा, राइट, हमें तीनों यूज करना है इसको, है ना। तो ईयर कोड क्या है, 1947 किसके बीच में आता है, ए वाले इंटरवल में आएगा, राइट, ए वाले इंटरवल में आएगा, 1947 1900 से 1999 के बीच में आता है, तो उसका ईयर कोड क्या है, जीरो है, समझे ना। तो राइट ईयर कोड, लास्ट स्टेप क्या है, राइट ईयर कोड, अपना जो ईयर क्या है, अपना ईयर क्या है 1947, है ना, 1947 का ईयर कोड क्या होगा, जीरो, अभी हमने देखा, राइट। पांच स्टेप कंप्लीट होने के बाद, पांच स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी मिला है आपको उसको प्लस कर दो, जो भी मिला आपको प्लस कर दो। क्या करा, 47 11 26 प्लस 0 प्लस 0, प्लस करो कितना आएगा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 1 कैरी हुआ, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 84 मिला, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो 84 आपको मिला, जो भी मिलेगा आपको, डिवाइड दिस 84 बाय 7, डिवाइड दिस 84 बाय 7, है ना, जो भी आपको यहां पे मिलेगा डिवाइडेड बाय 7, ओके, डिवाइड बाय 7, तो क्या मिलेगा आपको, 7 वन जा 7, 1 कैरी हुआ 4, 7 टू जा 14, कितना मिला रिमाइंडर, जीरो मिला। देखो यहां पे रिमाइंडर का यूज है, यहां पे क्या, इसका रिमाइंडर का यूज है, रिमाइंडर कितना मिला आपको, जीरो मिला। अब देखो ये जीरो में, ये जीरो कौन से डे कोड में आता है, है ना, डे कोड क्या है, जीरो का डे कोड क्या है, चेक करो, हमने यहां पे फाइंड आउट किया ना, जीरो का डे कोड क्या है, जीरो मतलब संडे, है ना। सो देयरफॉर 26 जैन 1947 को क्या था, संडे था, समझे ना, 26 जैन 1947 को संडे था, ओके। सो दिस इज हाउ वी फाइंड डे ऑफ एनी गिवन डेट, ऑफ एनी गिवन डेट, ठीक है। अगर लीप ईयर है तो आपको सिंपल है, मंथ का कोड सिंपल, जैन और फेब का बस चेंज रहेगा, क्या रहेगा, 6 और 2 रहेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको यहां पे, 6236 14, 6250 035, ओके। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप कोई भी डे का आप कोड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट में बताना कि इस डे को, इस डेट को कौन सा दिन था, ठीक है, 2017, ओके गाइस, तो इस दिन मुझे बताना कौन सा डे था, ओके, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर चाहिए तो फाइंड आउट करो खुद से, और देखो सैटरडे आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो, सैटरडे था इस दिन, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, जैसे कि हमारा पूरा कैलेंडर बेस पे क्वेश्चन जो भी हो सेलेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, देन आफ्टर आफ्टर 45 डेज इट विल बी वॉट, After 45 days, it will be what? मतलब आज मंडे है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, कौन सा डे रहेगा, तो इसके लिए कैसे करोगे इसको सॉल्व, सिंपल है। देखो आज मंडे है ना, 45 डेज बाद क्या रहेगा, तो 45 डेज को लो 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको, 7 6 42 कितना मिला, 3। तो अगर आज मंडे है तो आफ्टर 3 डेज क्या रहेगा, समझ रहे हो ना, अगर आज मंडे है तो आफ्टर 3 डेज कौन सा दिन रहेगा, सिंपल है, आज मंडे है, राइट, देन क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, समझे ना। अगर आज मंडे है तो आफ्टर 3 डेज थर्सडे रहेगा, सो देयरफॉर इफ टुडे इज मंडे देन आफ्टर 45 डेज इट इज थर्सडे, ओके। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था, समझे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ऐसा, ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल,
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। देखो हाँ, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 1 अप्रैल 2001 का डे निकालते हैं। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डे था, अगर हमें ये मिल गया तो वेडनेसडे हमें पता चल जाएगा कौन सा दिन था। तो 1 अप्रैल 2001 को कैसे निकालोगे आप, तो 5 स्टेप, राइट। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डे था, 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, सिंपल। फर्स्ट राइट लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, सेकेंड स्टेप राइट सॉरी डिवाइड दिस 01 by 4, राइट। सो 4 0 0 0, रिमाइंडर मिला 1, तो राइट दिस क्वेश्चन ओवर ईयर। स्टेप थ्री क्या रहेगा, राइट डेट, सो व्हाट इज डेट 01। स्टेप फोर राइट मंथ कोड, व्हाट इज द मंथ कोड ऑफ अप्रैल, भले देखो 2001 लीप ईयर नहीं है ना, तो मंथ कोड ऑफ अप्रैल क्या रहेगा, मंथ कोड ऑफ अप्रैल इज 6, क्या 6 है राइट, तो मंथ कोड ऑफ अप्रैल इज 6 राइट। स्टेप फाइव में क्या रहेगा, राइट ईयर कोड, व्हाट इज ईयर 2001, 2001 का ईयर कोड क्या रहेगा, 2001 कौन से इंटरवल में लाई करता है, 2000 to 2099 के बीच में लाई करता है, राइट। तो ईयर कोड उसका क्या है, 6 है, है ना। सो राइट ईयर कोड अगेन 6, तो प्लस करो इसको क्या मिलेगा आपको, 1 2 एंड दिस इज 12 plus 2 is 14, है ना। तो 14 को डिवाइड करो किससे, 7 से, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। 0 किसका कोड था, डे कोड संडे का था, है ना, ऊपर मैंने बताया था 0 इज संडे का कोड, है ना, डे कोड संडे का है। तो मतलब 1 अप्रैल, इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2001 को संडे था, तो वेडनेसडे का भी रहेगा। 2 अप्रैल को क्या रहेगा, 2 अप्रैल 2001 को क्या रहेगा, मंडे। 3 को ट्यूजडे, राइट। एंड 4th अप्रैल 2001 को क्या रहेगा, वेडनेसडे, समझे। सो 4th अप्रैल 2001 को वेडनेसडे आएगा, समझे ना। यही क्वेश्चन पूछा था ना, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डेट वेडनेसडे फॉल, तो 4 अप्रैल को आएगा। नेक्स्ट कभी आएगा, 7 दिन बाद, तो 11th अप्रैल को आएगा, है ना। नेक्स्ट कभी आएगा, उसके 7 दिन बाद, तो 18th अप्रैल को आएगा, राइट। नेक्स्ट कभी आएगा, उसके 7 दिन बाद 25th अप्रैल को आएगा, राइट। सो ऑन 4th, 11th, and 18th, 4th, 11th, 18th, and 25th of April डेट ऑफ 2001 वेडनेसडे वेलकम, ओके। उसके बाद क्या आएगा, 7 तो चले जाएगा नेक्स्ट मंथ में, तो सिर्फ अप्रैल का पूछा था, ठीक है, तो 4 आएंगे, ठीक है। सो गाइस, यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स पूछे जाते हैं, ये मेन टाइप्स थे जो मैंने डिस्कस किए यहाँ पे, राइट। और अगर आपको ये पता है तो आप कैलेंडर के लिए ना बस इतना ही पढ़ के जाओ, वो काफी है, ठीक है। एग्जाम्स में ना सिर्फ इतना ही, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपने समझ गया कि कौन से डेट, कोई भी डेट अगर दिया है आपको तो उसका डे कैसे फाइंड आउट करने का, ठीक है। सिर्फ आपको 2 चीज़ 3 चीज़ याद रखना, डे कोड, मंथ कोड, ईयर कोड, ओके गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।